हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द शर्मा व्लॉग्स में। तो गाइस, जो आज का व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है मॉडल टाउन का, जो झील है उसके ऊपर होने वाला है। तो बेसिकली हम जा रहे हैं घूमने और आपको बताया जाएगा कि इससे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएंगी, जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो किया जाता है तो आपको बताया जाएगा इस वीडियो की सहायता से। तो अब बात की जाए कि यहाँ पर आना कैसे, तो बाय मेट्रो यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपको बेसिकली उतरना है मॉडल टाउन मेट्रो स्टेशन पर, वहाँ से आप उतर के किसी से भी पूछ सकते हैं कि झील कहाँ पड़ता है मॉडल टाउन का। अगर तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस 20 मीटर की दूरी पे, मतलब जो डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन से झील का वो 20 मीटर की दूरी पे है, वहाँ से आप मतलब आ सकते हैं। और बात की जाए कि इसके आसपास का जो पार्क है जिसके नाम चर्चे में रहते हैं वो है सी पार्क और डी पार्क। तो अगर आप सी पार्क के पास स्टे करते हैं, मतलब सी पार्क के पास आते हैं, तो महज यहाँ से 50-60 मीटर की दूरी पर वो झील पड़ता है। तो जब भी आप पूछेंगे मॉडल टाउन का झील, तो आपको सभी आपको बता देंगे कि ये झील कहाँ पे, काफ़ी चर्चे में आता है ये झील, राइट गाइस। तो वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए गाइस, आपको लेकर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं झील पे। हमारे टीम मेंबर के दो मेंबर अभी बोट में बैठ चुके हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं। तो वीडियो की सहायता से देख सकते हैं जूम हो चुके हैं, दो टीम मेंबर बैठ चुके हैं। अभी मैं नहीं बैठा हूँ, अभी बाहर से ही शूट कर रहा हूँ। 2-3 मिनट की वीडियो शूट करने के बाद मैं भी एंटर कर लूँगा। तो अब दिखाता हूँ आपको बीच का पोर्शन, देख सकते हैं सभी झील में ये बीच में पाया जाता है। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि लोधी गार्डन का जो झील था वहाँ पर बीच में बना हुआ था, और लाइक वाइज यहाँ पर भी बना हुआ है। तो आपको रिटर्न करके दिखाते हैं, देख सकते हैं गाइज यहाँ पर जो खूबसूरती है गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और यहाँ का पानी बहुत ही क्लीन है। तो आपको अभी दिखाते हैं जो यहाँ का वाटर है काफ़ी क्लीन है। तो गाइज देख सकते हैं जो यहाँ का वाटर में जो लहर है गाइज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है ये झील। तो फाइनली देख सकते हैं गाइज मैं बोट में एंटर कर चुका हूँ, और हमारे तीन टीम मेंबर राहुल भाई, बरकत भाई और मैं बैठ चुके हैं बोट में। तो अभी आपको दिखाते हैं कि जहाँ से हमने टिकट परचेज़ किया था, और वैसे तो हमारा दो व्यक्ति का जो टिकट था प्राइस था गाइस 130। हमने बोला कि तीन जने हैं, तो फाइनली वो एग्री हो गया, ठीक है 130 में तीन लोग हो जाते हैं। तो आ सकते हैं, और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको यहाँ पे हर झील में जहाँ भी गार्डन में जाएँ पार्क में जाएँ आपको बताई जाती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देख सकते हैं बरकत अली भैया नीचे पानी फेंक रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ का पानी में बदबू है या खुशबू है, वही चेक कर रहे हैं। और बोट जो इसका पेडल है आगे की ओर ले जा रहा है अभी बरकत अली भैया। अभी आपको दिखाऊँगा कि मैं बोट को कैसे चलाता हूँ। तो अब आपको दिखाते हैं कि मैं कैसे बोट को चला रहा हूँ, और इसमें एक फैसिलिटी है मोड़ने की, देख सकते हैं मैं यहाँ पे बोट को चला रहा हूँ आगे की ओर। और यहाँ पे हैंडल देख लीजिए, हैंडल को किस प्रकार से उपयोग करना है, इधर करने से राइट जाता है, इधर करने से लेफ्ट जाता है, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय होगा अगर आप यहाँ पे आते हैं, राइट। तो देख सकते हैं मैं हैंडल को मोड़ रहा हूँ, और काफ़ी फोर्स लगता है गाइज जो पेडल पर जो फोर्स डालते हैं पानी में, ज़्यादा फोर्स हमारा नहीं लगता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अभी आपको काउंटर दिखाया जाएगा जहाँ से हमने टिकट को परचेज़ किया था। तो देख सकते हैं गाइज ये जो लाल कलर का दिख रहा गाइज घर घर से, ये एक टिकट हॉल है जहाँ से आपको टिकट दी जाती है बोट की। तो वहीं पे देख सकते हैं कई सारे बोट लाइन वाइज लगी हुई हैं, और यहाँ से आप टिकट वहीं पर एंट्री गेट है, एंट्री करके वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं राहुल भाई और बरकत भाई चिल कर रहे हैं। और जो झील का बीच का पोर्शन था गाइस वो दिखाया था बाहर से, अब जबकि मैं बोट में आ चुका हूँ, अब आपको दिखाता हूँ क्लोज ले जा करके जो बीच झील का बीच का पोर्शन है गाइस, जहाँ पे किनारे किनारे साइड में फवारे लगे हुए हैं जो कि स्टार्ट होता है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं डक बत्तख झील में काफ़ी होते हैं जो कि फव्वारे के पास हैं, और यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं जो कि वाटर से बड़े होते हैं जो कि यहाँ पे लगे हुए देख सकते हैं। और
ये फव्वारे देखिए गाइस, आपको एक सर्कल में ले जाते हैं, आपको दिखाते हैं। और ये देख सकते हैं राहुल भाई अपने पेडल मार रहे हैं जो कि आगे की ओर ले जा रहे हैं, और मैं अभी शूट कर रहा हूँ और दिखा रहा हूँ कि जो बीच का पोर्शन है वो किस प्रकार का है। तो गाइज़ और भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आपको देते हैं, अभी तो फ़िलहाल आपको बताते हैं इस झील के बारे में। अभी हम बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट कर रहे हैं और देख सकते हैं गाइज़ यहाँ पे काफ़ी कपल्स भी आए हुए हैं, और झील में नॉर्मली कपल्स ही आते हैं। और बरकत अली भैया, और यहाँ पे जब भी आए गाइज मास्क लगा कर आए, विदाउट मास्क एंट्री नहीं होगी आपकी, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है कोरोना वायरस की वजह से। जो यहाँ पे मास्क का जो रूल है गाइज बहुत ही स्ट्रिक्ट है, अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका चालान कट सकता है। तो इसलिए आपको बताया जाता है कि जब भी यहाँ पे आए मास्क के साथ आए। तो गाइज इससे पहले जो ये झील था बंद थी, और लॉकडाउन से पहले भी ये बंद थी, यहाँ की सारी फैसिलिटी बंद हो चुकी थी। लेकिन कुछ समय बाद 2021 में इस फैसिलिटी को दोबारा से रीओपन कर दिया गया है, बोट को दोबारा से चालू कर दिया गया है, ताकि और ये झील काफ़ी, यहाँ पे फिश भी हैं और पानी ज़्यादा भर चुका है, इसलिए फिश आपको इसके सरफेस एरिया पे आपको नहीं दिखेगा। राइट, यहाँ पे देख सकते हैं और भी कुछ अनदर बोट्स हैं जिसपे कुछ लोग हैं, कपल्स भी बैठे हुए हैं। तो देख सकते हैं इसमें कुछ कपल्स हैं और ज़्यादा लोग नहीं आए हुए हैं। तो देखिए गाइस जो ये सर्कल सा बना हुआ है जहाँ पे फव्वारे हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव, इस झील की खूबसूरती को ज़्यादा ही अट्रैक्टिव बना देता है फव्वारे से। अभी यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ फव्वारा, जिस टाइम हम आए हुए थे उस टाइम बंद था। हो सकता है कि कुछ समय बाद इसको चालू कर दिया जाए, तो अभी हमें ये नज़ारा नहीं देखने को मिलेगा। 130 का प्राइस में हमें घूमने को मिलता है हाफ एन आवर, मतलब कि आधे घंटे आपको दी जाती है 130 में। अगर आप आधे घंटे से ज़्यादा घूमना चाहते हैं, बोट की जो एन्जॉयमेंट है ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो एडिशनली आप पैसा दे दीजिए, टिकट परचेज करिए और यहाँ पे और भी ज़्यादा एन्जॉय करिए। राइट, तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बत्तख हैं और भी कई सारे पंछी हैं। अभी फ़िलहाल यहाँ पे डक दिख रहे हैं, बत्तख दिख रहे हैं, और कुछ प्लांट हैं जो कि वाटर से बढ़ते हैं। और ये देख सकते हैं काफ़ी एरिया में फैला हुआ है। राइट, और इसके किनारे किनारे कुछ ग्रिल्स हैं ताकि लोगों को ये ख़तरा ना हो कि यहाँ पे गिर जाएं। तो ये ग्रिल्स काफ़ी मजबूत हैं, देख सकते हैं। अभी हम घूम रहे हैं इसी बीच के पोर्शन में ताकि आपको दिखा सके कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या नहीं चीज़ें हैं। देख सकते हैं इस बीच के पोर्शन में बीच में घर बना हुआ है, जहाँ से जितने भी सिस्टम है फव्वारे के वहाँ से होता है। और देख सकते हैं मैं और बरकत अली भैया, अभी जस्ट मैं बैठा हुआ हूँ और बोट को कैरी कर रहे हैं अभी राहुल भाई और बरकत भाई। अब हम जाने वाले हैं किनारे साइड में, और जितनी भी इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन थी आपको दे दी गई हैं बीच के पोर्शन से। अब आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं किनारे की ओर, कि किनारे की ओर और भी कितनी सारी चीज़ें हैं। वैसे अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको काफ़ी एन्जॉयमेंट करने को मिलेगा, जैसे कि देख सकते हैं हम कितना एन्जॉय कर रहे हैं इस वीडियो में। और यहाँ पे कलरफुल बोट्स हैं, जैसे येलो हो गया, ब्लू हो गया, और ब्लैक हो गया, वाइट हो गया। आपको कलरफुल, आपको जिस टाइप का कलर आपको अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है, आप उस बोट में बैठ सकते हैं। राइट, और इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ भी हैं, फिश भी हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी यहाँ पे आएँ फिश को कोई मतलब ना पकड़ें, नहीं तो ये एक इलीगल, क्या बोलते हैं, मतलब इलीगल मतलब रिस्ट्रिक्ट है, मतलब नहीं पकड़ सकते, मतलब ये एक लीगल है, मतलब एक रूल्स है, एक एक्ट है। अगर आप पकड़ते हैं तो आपको एक दंडनीय अपराध दिया जाएगा, जिसमें आपको जेल भी हो सकती है 5 मंथ्स की, और कुछ जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो इसलिए आपको अगर इस झील पे आए तो सबसे पहले हमारी वीडियो देखिए, इस वीडियो की सहायता से आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन से रिस्ट्रिक्शन हैं
और कौन से रूल अप्लाई किए जाते हैं तभी आप यहाँ पे आए, सारी नॉलेज लेने के बाद। और यहाँ पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, राइट। तो अभी तक आपने लास्ट वीडियो में लोधी गार्डन के झील के बारे में जाना, और वहाँ पे कुछ और भी जो भी चीज़ें हैं और आपको जो डिप्रेशन रिमूव करना होता है वहाँ पे आपने एंजॉय किया लास्ट वीडियो की सहायता से। तो हमने सोचा क्यों ना एक और झील का वीडियो बनाया जाए, तो हमने इसलिए आपके लिए इस झील पे लाए हैं। एंजॉयमेंट करने के साथ साथ आपको दिखा भी दिया जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती हैं। तो देख सकते हैं मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ। बरकत अली भैया बोल रहे हैं कि भाई मैं अब थक चुका हूँ, अब तू भी थोड़ा चला ले। तो देख सकते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ देख सकते हैं ये जो पेडल है आपको दिखाया जाता है, पेडल किस प्रकार से घूमता है देख सकते हैं, ये कुछ अपने मोशन में है। और देख सकते हैं बरकत अली भैया का जो पेडल है अभी वो कैरी कर रहे हैं, आगे की ओर ले जा रहे हैं, राइट गाइस। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी जितनी भी सब्सिडी होती है मतलब एंजॉयमेंट करने के बाद बीच में ही बोट को छोड़ करके भाग जाते हैं, मतलब कि घूमते तो हैं और किनारे पे ले जा करके भाग जाते हैं। तो इसलिए जो भी ऑनर है मतलब टिकट देता है उसको बहुत ही परेशानी आई कि बोट को कैसे लाया जाए। तो फाइनली लास्ट में मुझे सजेस्ट किया गया कि ऑनर की ओर से जो यहाँ के वर्कर्स हैं कि बोट को लाया जाए। तो वो सीन आपको लास्ट में दिखाया जाएगा, बने रहें वीडियो में, कि मैंने बोट को किस प्रकार से हेल्प की और वहाँ पे किनारे तक ले गया। तो गाइज़ यहाँ पे देख सकते हैं जो किनारे की बाउंड्री है वहाँ पे काफ़ी प्लेस है जहाँ पे कपल्स बैठते हैं और भी लोग आते हैं। तो आपको दिखाया जाएगा, थोड़ा एक्सपोज भी कर देंगे, राइट। तो देख सकते हैं जो यहाँ का वाटर है, वाटर आसमानी कलर का दिख रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है काफ़ी शांत भी है। और आपको जो बोलते हैं ना, अगर आपके हेड में काफ़ी परेशानियाँ हैं, अगर आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, अगर आप थोड़ा मन का बोझ हल्का करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी जगह जानी चाहिए जहाँ आपका जो डिप्रेशन है दूर हो सके। तो आप झील पे आएँ, आप प्रोबेबली आपकी जितनी भी परेशानियाँ हैं, चिंताएँ हैं, एंजाइटी है, सब चीज़ें यहाँ से दूर हो जाएंगी, राइट। अब आपको बताते हैं वीडियो से रिलेटेड, झील से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। और ये ओपन हो जाता है सुबह 5 बजे से, मतलब मॉर्निंग में 5 बजे से शाम के 7 बजे तक ये फैसिलिटी दी जाती है। जितना जल्दी आएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी ठंडी में ज़्यादा ही अंधेरा हो जाता है 5 बजे तक। तो जितना आपको आनंद लेना है, रिजॉइसफुल आपको अपने लाइफ को एक्सपेंड करनी है, तो फ्रेंड्स के साथ आइए। अगर आप कपल्स हैं तो कपल्स के साथ भी आ सकते हैं, और फ्रेंड्स के साथ काफ़ी मज़ा आता गाइस। इसीलिए हमने अपने टीम मेंबर 3 मेंबर के साथ आए हैं। और देख सकते हैं जो बोट में जो लास्ट सीन है, मतलब कि जहाँ से आगे की ओर ले जाता है, जो नीचे लोहा लगा होता है, जो वहाँ पानी है गाइस, ये देख सकते हैं कितनी अट्रैक्टिव दिख रही है, लग रहा है कि कुछ मशीनी हरकत हो रही है। और जबकि इन फैक्ट बात यह है कि हम पेडल की सहायता से काफ़ी फोर्स के साथ आगे की ओर जा रहे हैं। और जो पानी में जो देख सकते हैं लहरें पैदा हो रही है, वो हमारा मतलब फोर्स से हो रही है। अगर मशीन होता तो काफ़ी आपको और भी अच्छा दिखने को मिल जाता है इसकी लहरें, राइट। तो देख सकते हैं झील की बाउंड्रीज पे काफ़ी कपल्स हैं, और कुछ फ्रेंड्स के साथ भी आते हैं, कुछ कपल्स के साथ भी आते हैं, कुछ फैमिली मेंबर के साथ भी आते हैं, राइट। जिसकी जैसी मेंटालिटी उसके साथ आते हैं। और यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब कितनी भी एज वाले हो सभी आ सकते हैं। और मॉर्निंग में बेसिकली यहाँ पे सभी आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए मॉर्निंग में, और शाम को बहुत ही कम आते हैं। और घूमने की जगह काफ़ी अच्छी है गाइस। लोधी गार्डन में तो 3-4 चीज़ें थी घूमने लायक, लेकिन यहाँ पे घूमने लायक आपको बहुत ही चिल होने वाला है, एंजॉय करने वाले हैं अगर आप यहाँ पे आते हैं तो। और आपको यहाँ पे एक बार बोट को राइड जब आप कर लेंगे ना, तो आपको एक समुद्र वाली जो होती है ना फीलिंग्स, वो आने लगेंगी गाइस। आपको लगेगा ही नहीं कि ये झील है, मतलब काफ़ी एरिया में फैला हुआ है, और इसके अराउंड कई सारी कोठियाँ हैं। और बेसिकली ये पड़ता है मॉडल टाउन में,
और इसके अगर आप बाहर जाते हैं तो आपको रोड की फैसिलिटी भी दी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही एक नामी गामी चीज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगा है प्लेस जो कि मॉडल टाउन में पड़ता है। और इसके किनारे जाएंगे तो रोड की फैसिलिटी आ जाती है, और इसके जस्ट अंदर की ओर आते हैं इनसाइड की तरफ तो कॉलोनीज़ मिल जाते हैं, कोठियाँ मिल जाती हैं, राइट। तो अभी तक हम एंजॉय कर रहे हैं बोट की राइड, राइट। तो फाइनली अब हमारा जो टाइम है गाइस, जो आधे घंटे का टाइम दिया हुआ था, वो होने वाले हैं कंप्लीट। तो अब हम जाएंगे, 8-9 मिनट में हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा, राइट गाइस। तो अभी तक हमारे पास बचे हुए हैं 5-6 मिनट। तो गाइस वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को रखिए, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है या कोई भी सजेशन पूछना है, कोई भी क्वेश्चंस हो गया रिलेटेड आप पूछ सकते हैं, राइट। तो आप ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, मतलब कौन से प्लेस का चाहिए, वीडियो में ज़रूर बताएं, आपको वहाँ पे भी जाया जाएगा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। देख सकते हैं मैं पानी ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ गाइस, यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि जो यहाँ का पानी है बदबूदार है, मतलब ज़्यादा बदबू नहीं है, मतलब क्लीन है पानी और बदबू भी नहीं आ रही। देख सकते हैं बरकत अली भैया यहाँ पे चेक कर रहे हैं पानी, और पानी और ऊपर से पानी ग्रीन ग्रीन सा दिखता है, जैसे ही आप पानी को हाथ में लेते हैं तो वाइट सा हो जाता है, क्योंकि जब पानी एक जगह ज़्यादा कलेक्ट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो पानी ग्रीन दिखने लग जाता है, राइट। और जब भी आप हाथ में लेते हैं तो वाइट सा हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी फ़िश है, इसलिए यहाँ पे जो फ़िश की जो स्मेल होती है ना गाइस, वो इस पानी में से स्मेल आती है फ़िश की, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, मतलब अभी रिसेंटली ये ओपन हुआ ये सुविधा, इसलिए इस झील में जो साफ़ सफाई है काफ़ी, यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं है, मतलब कम साफ़ सफाई है। तो समय के साथ साथ इसकी जो साफ़ सफाई है इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। देख सकते हैं कुछ लोग हैं, पीपल्स हैं जो हमें देख रहे हैं, वो भी सोच रहे कि हम भी बोट की सवारी कर लेते हैं। तो अगर आपको सवारी करनी है तो आपको फ्री सुविधा यहाँ पे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली है, यहाँ पे आपको प्राइस देने पड़ते हैं, एक निश्चित प्राइस मतलब 130 के आसपास देना पड़ता है, तो आप यहाँ पे 4 जने लोग सवारी कर सकते हैं, राइट गाइस। तो बरकत अली भैया देख सकते हैं और पानी को चेक कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं पानी के साथ, और छोटी छोटी मछलियां हैं वाटर के सरफेस पे, तो हमारे हाथ में भी आ जाती हैं कभी कभी, तो इसलिए हम हाथ नहीं डाल रहे हैं और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ का जितनी भी फिश हैं हम चाहते हैं कि कोई भी नुकसान ना पहुँचे। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ पेड़ पौधे हैं, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं बाउंड्रीज पे, जो इसकी खूबसूरती को बढ़ा देता है। और यहाँ पे मेनली 4 गेट है, आप फर्स्ट गेट से एंटर कीजिए और वहाँ से जस्ट वहीं पे टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट परचेज करिए और यहाँ पे घूमिए, राइट गाइस। तो फाइनली हमारा जो टाइम था, समय था, कंप्लीट हो चुका है। तो फाइनली अब बरकत अली भैया और राहुल भाई अब आ रहे हैं बोट को, मतलब किनारे पे लगाने। सो देख सकते हैं वीडियो की सहायता से अब बोट को लाया जा रहा है किनारे की ओर, जहाँ पे बोट को लगाया जाता है लाइन वाइज। तो बेसिकली जो बोट छूट चुकी थी लोगों के द्वारा, वो छोड़ कर जा चुके थे, इसलिए मैं उस बोट की सहायता से बाउंड्रीज पे आ गया हूँ और यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ 2 टीम मेंबर बरकत भाई और राहुल भाई के साथ। तो जो हमारा बोट का नंबर था 13 नंबर था, देख सकते हैं बोट पे लिखा हुआ है 13 नंबर और ऑरेंज कलर का था, ठीक है। तो फाइनली हमारे टीम मेंबर आ चुके हैं बाउंड्रीज की तरफ, राइट गाइस। होपफुली आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देख सकते हैं राहुल भाई आ चुके हैं और बरकत अली भैया अब आ रहे हैं, देखिए। और जो ये देखने वाला है बोट को, देख सकते हैं ये उतारने वाला है, जो उतर नहीं पाता उसको उतार देते हैं। और बरकत अली भैया फाइनली बाहर आ चुके हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।